हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शाही एंड यू वाचिंग टेके शाही। तो गाइस लॉकडाउन चल रहा है और आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। निकल सकते भी हैं तो बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, इसलिए आप घर में ही रहे सेफ रहें। तो बहुत लोग घर में बोर हो रहे होंगे ज़रूर, दूसरा काम उनके पास नहीं होगा। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह इस पीरियड को, इस वक्त को आप अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहे। तो गाइस लॉकडाउन तो चल रहा है लेकिन आप बिजी नहीं हैं, लेकिन आपको बिजी होना है, इसलिए आपको बहुत सारे काम मैं बता रहा हूँ जो आप अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। पहला काम यह है कि आपको जीमेल अपना ऑर्गेनाइज करना है। जीमेल ऑर्गेनाइज करना है मतलब आपको अपना जीमेल ओपन करना है। किसी के एक अकाउंट होंगे, किसी के दो, किसी के तीन अकाउंट होंगे, जीमेल ओपन करना है। उसमें आपने बहुत सारे पेजेस को सब्सक्राइब किया होगा जिसके अनवांटेड मैसेजेस आपको बहुत सारे आ रहे होंगे, हज़ारों मैसेज आपके जीमेल में स्टोर होंगे। तो आप उनको डिलीट ऑल करें, अपने जीमेल को ऑर्गेनाइज करें। जीमेल ऑर्गेनाइज नहीं होता तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको फेस करने आती है। कभी हमको अर्जेंट कुछ मेल करना हुआ या अर्जेंट कोई चीज़ ढूंढनी हुई तो हमको बहुत सारे फालतू के जीमेल में मैसेजेस देखने को मिलते हैं। तो इसलिए आप अपने जीमेल को ऑर्गेनाइज़ करें, जो आपको चीज़ें नहीं चाहिए उसको हटाएं, जो आपने पेज सब्सक्राइब किए हैं आपको उनके पेज की सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए तो उसको भी हटाएं, और अपने जीमेल को साफ सुथरा बनाएं और जीमेल को अच्छी तरह क्लीन करके रखें। दूसरा जो काम आप कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए वो है गूगल का जो फोटोज़ एप्लीकेशन है, उसमें जाकर अपने फ़ोटोज़ को भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। फ़ोटोज़ को ऑर्गेनाइज़ कैसे कर सकते हैं? आप अगर उसमें ओपन करें उस फोटोज़ को और आपने अपना जीमेल सिंक किया हो अपने फ़ोन में, तो आप जितने भी अभी तक फ़ोटो क्लिक कर चुके हैं वो पूरे आपके फ़ोटोज़ एप्लीकेशन में होंगे। तो आप उसमें अलग अलग फोल्डर्स बना सकते हैं, जैसे माय पर्सनल, माय फैमिली, माय फ्रेंड्स एंड मी, इस तरह के बहुत सारे आप बना सकते हैं। या फिर एक टूर करके एक फोल्डर बना सकते हैं, आप अगर बाहर गए वो टूर के फ़ोटोज़ हैं तो उस फोल्डर में रख सकते हैं, ताकि कभी अगर आप किसी फ़ोटोज़ को ढूंढना चाहें तो इससे आपको बहुत सारी हेल्प मिल सकती है कि उस पार्टिकुलर फोल्डर में जाके आप उस फोटोज़ को ढूंढ सकते हैं। तो इसलिए आप फ़ोटोज़ को भी ऑर्गेनाइज करके रखें, इससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे। तीसरा जो मेन काम आप कर सकते हैं वो अपने फ़ोन को क्लीन करें। फ़ोन को क्लीन करना मतलब ये उसकी बॉडी को नहीं, वो भी आप कर सकते हैं ऑफकोर्स, लेकिन फ़ोन को क्लीन करने का मतलब आपका स्टोरेज बहुत ज़्यादा फुल हो गया होगा। बहुत ज़्यादा फुल हो गया होगा मतलब बहुत ज़्यादा आपका कभी फ़ोन हैंग हो रहा होगा या कभी कभी चलते चलते अचानक बंद हो जाता होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, फ़ोन के स्टोरेज को क्लीन कर सकते हैं। आप माय फाइल फोल्डर में जाएं, उसमें आपको सारे फोल्डर्स मिलेंगे जो आपने पहले भी कोई ऐप को इंस्टॉल किया था, बाद में अनइंस्टॉल कर दिया, तो उसके भी डाटा उसमें होंगे। तो आप उस पूरे फोल्डर को ही डिलीट कर दें और अपने फ़ोन की स्पेस को बचाएं। उसके अलावा कुछ बहुत सारे ऐप्स होते हैं, आप ऐप सेटिंग में जाकर उनके कैशे को क्लीन करें। उसको क्लीन करने से आपके फ़ोन के बहुत सारे स्टोरेज कम हो जाते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप में भी आप जाएं, व्हाट्सएप में आपको हज़ारों फोल्डर्स, फ़ोटोज़, वॉइस मैसेजेस देखने को मिलेंगे, उसको भी आप डिलीट करें, क्योंकि हज़ारों फ़ोटोज़ व्हाट्सएप में जो आपने खुद भेजे हैं वो एक सेंड फोल्डर में होगा व्हाट्सएप में मीडिया के अंदर, और जो आपको आए हैं वो भी व्हाट्सएप में मीडिया के अंदर वो फ़ोटोज़ होंगे। तो आप भी उनको भी क्लीन कर सकते हैं। फिर मीडिया के अंदर वॉइस होंगे उनको भी आप क्लीन कर दें। डॉक्यूमेंट्स होंगे अनवांटेड, जो किसी खास मौके के लिए हमको चाहिए थे वो अभी हम नहीं चाहिए, तो उस डॉक्यूमेंट्स को भी आप डिलीट कर सकते हैं और अपने फ़ोन को क्लीन कर सकते हैं। उसी तरह अनवांटेड जो ऐप हैं उसको भी हटा सकते हैं, यूसी ब्राउज़र या फिर जूम एप्लीकेशन जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है उसको भी हटा सकते हैं, क्योंकि उससे आपकी प्राइवेसी बहुत लीक हो रही है। ऐसे सारे हमको न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, इंफॉर्मेशन ऐसे मिल रही हैं। तो आप फ़ोन को भी क्लीन करें, ये लॉकडाउन में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अपने फ़ोन को क्लीन करने के बाद, और आपका फ़ोन भी स्मूथली चलेगा और अच्छी तरह आपका फ़ोन फंक्शंस करेगा। और हो सके तो दिन में एक बार फ़ोन को ज़रूर रीस्टार्ट भी करें, उससे आपका फ़ोन बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद जो चीज़ बताने जा रहा हूँ ये बहुत मेन चीज़ है, वो है कॉन्टैक्ट्स को एडिट करें। आपके फ़ोन में हज़ारों कॉन्टैक्ट्स होंगे जो आपके एक ही दोस्त के होंगे, कभी एक ही दोस्त के आपके 4, 5, 6 नंबर होंगे, तो आप उनको ऑर्गेनाइज करें। जो नंबर उसका भी नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, उस नंबर को डिलीट करें, जो है उसी का नंबर आप सेव करें। बहुत सारे आपने नाम दिए होंगे एक पर्सन के, आपके दोस्त के या फैमिली मेम्बर्स के,
एक ही आदमी के, एक ही शख्स के 3-4 नंबर होंगे, तो उसको भी एडिट करें। अगर एक व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप उसका नंबर सामने लिख दें, पर्सनल है तो पर्सनल उसका सामने लिख दें। इस तरह करके आप और पूरे कॉन्टैक्ट को आप मर्ज भी कर सकते हैं उस एक शख्स का। उसी तरह अगर किसी के घर का नंबर है तो उसके आगे होम लिख दें। इस तरह करके आप बहुत सारे अपना टाइम फ्यूचर में बचा सकते हैं, और अभी अपना टाइम आप इस्तेमाल करके इस चीज़ को कर सकते हैं, तो इसको भी ज़रूर करें। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आप कर सकते हैं, बड़ी अमेजिंग है ये। आप अभी घर पर फ्री बैठे हैं तो फोटोज़ क्लिक कर सकते हैं आप घर में, चाहे वो नल का पानी हो, गिर रहा हो हाथ पर, उसका फोटो ले, बहुत अच्छा दिखेगा। या फिर अलग अलग आइडियाज आप यूट्यूब पर देखें, जाकर सर्च करें, आपको बहुत सारे होम फोटोग्राफी, इंडोर फोटोग्राफी, इसके अंडर में आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे और बहुत सारे अच्छे अच्छे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दिखाई जाएगी जो आप फोटो क्लिक कर सकते हैं उसके जरिए। तो अगर आपकी हॉबी नहीं है फोटोग्राफी, तो आप घर पर तो अभी फ्री बैठे हैं, तो ज़रूर कम से कम ये तो कर लें। लेकिन जो पहले मैंने 3-4 काम बताए वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। उसके बाद इस चीज़ पर आए फोटोग्राफी पे, या फिर ट्यूटोरियल्स कोई यूट्यूब पर होते हैं, फोटोशॉप हो गया, फोटोग्राफी हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गई। वीडियो एडिटिंग में मैंने भी बनाई है एक वीडियो मुकम्मल, उसमें आपको ऐप का लिंक भी मिलेगा, प्रीमियम लिंक, तो आप जाकर वो वीडियो एडिटिंग भी सीख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो की लिंक दे दूंगा। तो बहुत सारे काम का आप कर सकते हैं। और अगर आप फोटोज़ क्लिक करें, तो फोटोज़ को क्लिक करने के बाद इंस्टाग्राम पर आप डाल दें उस फोटो को एक हैशटैग लगाकर, थैंक्स टेकी शाही, थैंक्स टेकी शाही लगाकर ये हैशटैग आप इंस्टाग्राम पर डाल दें। मैं आपके फोटो को बाद में देखूंगा भी, और हो सके तो उसका रिव्यू भी करूंगा। तो ये सारे काम आप कर सकते हैं, अपना टाइम बहुत इस्तेमाल करके अपना टाइम मुफीद बना सकते हैं, ताकि आपको फ्यूचर में, आने वाले दिनों में आपको कुछ टेंशन ना हो। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अपना ये, और आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।